वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो अगेन होने वाली है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल से मतलब है कि जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए हैं कि आज मैं अपने बालों को करने वाली हूँ कर्ल। तो अभी कैसा होता है कि मेरे पास में जो एक कलर और स्ट्रेटनर था नोवा का वो हो गया है ख़राब। तो अगर आप मेरे जैसे हो कि आप ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना चाहते हो और आपका काम भी हो जाए, सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर भी कर देती हूँ और मुझे पता भी चल जाएगा कि क्या एग्जैक्ट कर्ल होने वाले हैं। लोगों को बस क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और आपको कर्ल भी मिल जाएंगे। ज़्यादा मतलब 1000 रुपये भी स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को 3 रुपये के पेपर के अंदर में मिल जाएगा ये जो मैं अभी कर्ल करने वाली हूँ वो वाला लुक। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो से आप नोटिफाई हो सके। तो अभी हम वीडियो में बढ़ेंगे आगे। तो कर्लिंग करने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत है। एक न्यूज़पेपर का जो एक पन्ना होता है ना, उसमें भी काम चल जाएगा। इट डिपेंड्स कि आपके बालों की लेंथ कैसी है और उसके बाद में आपको कितने लेंथ चाहिए, मतलब कर्लिंग में चाहिए, और आपके घने बाल है कैसे है उसके ऊपर में डिपेंड है। तो मैंने इस टाइप से न्यूज़पेपर की ये जो है स्ट्रिप्स करके रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ वाइज वगैरह जो भी आपको करना है, मैंने इतना किया है। मुझे भी इतनी की ज़रूरत नहीं है, बट मुझसे बड़ी हो गई है। सो गाइज़, आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, पर मैंने क्या किया है, मैंने ऐसी पोनीटेल बना ली है। अब पोनीटेल बनाने के बाद में मैं क्या करूँगी, उस टाइप से लूँगी, और अगर मुझे थोड़े से मोटे चाहिए कर्ल तो मैं वो करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कर्ल कर सकते हैं। ओके तो भाग लूँगी बालों का इस टाइप से छोटा सा, जितना आपको चाहिए। तो बालों को आप गीले भी कर सकते हो, मैंने गीला नहीं किया है। और ना मैं इसको वैसे इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाइक ये न्यूज़पेपर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस टाइप से इसमें ऐसे फोल्डिंग्स कर लूँगी। हम एक नॉर्मल न्यूज़पेपर लेंगे तो वो फट जाएगा जल्दी, तो इसलिए हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे। अब मैं ले रही हूँ एक मेरा हेयर का पार्ट। मैं क्या करूँगी, इसको डबल कर दूँगी ताकि ना मेरे बाल जो मतलब ये जो कलर है, आई मीन अभी इसको कलर बोलेंगे, ताकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और जल्दी फटे ना। आपको अगर थोड़ा नीचे तक रखना है तो आप नीचे तक रख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर तक कर रही हूँ ताकि हमको रिजल्ट अच्छे दिखे। बालों को लगा लिया है जो न्यूज़पेपर। अब हमें क्या करना है, सबसे मेन बात, अगर आप जल्दी कर्ल चाहते हो तो आपने ना बालों को गीला करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गीला करना है, थोड़ा सा गीले कर लेना बालों को ताकि जल्दी से उसमें मोड़ी आए। पर मैं इसको रात भर रखने वाली हूँ, तो अगर आपके पास में एक दिन का टाइम है तो ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ दो। अब देखते हैं, मैं इसको रात भर रखती हूँ और सुबह मिलती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि ये कर्ल कैसे हुए हैं, क्या हुआ है। तो ठीक है, कल मैंने इसको छोड़ दिया था और मैंने ना इसको इस स्टेप से ऐसे कपड़े में बांध लिया था, जो बनियान होती है ना वो बांध लिया है, ताकि मेरे बाल जो है रात को सोते वक्त यहाँ वहाँ मतलब ख़राब ना हो जाए और जो रोल्स है वो निकले ना। और अभी मैंने एक मेकअप लुक शूट किया है, एंड ये वो मेकअप लुक है। इसके बाद इसके पहले पता नहीं कब जाएगा, बट चला जाएगा। ओके गाइस, तो अभी मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ और मुझे सीरियसली याद मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। पहले एक बार क्या था तो मैंने बता दिया, पर अभी मैं देखती हूँ, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ अभी। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके तो ये ऐसे निकल गया है, जो किसी मेरी ही गलती की वजह से निकला होगा। सो ये तो एक निकल गया है, लेट्स सी कि और कितने हैं। तो मैं अभी एक एक करके इसको रिमूव करती हूँ। ओके धीरे धीरे करते हैं, मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, मैंने इसको रात भर रखी। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं कर्ल तो हुए हैं और इस टाइप से हुए हैं, मतलब अच्छे हुए हैं। ओके तो बचे हुए बालों को भी मैं रिमूव कर लेती हूँ। बालों का न्यूज़पेपर एक और एक देख ले। हाँ हाँ हुए हैं, हुए हैं। फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ये ऐसे नहीं, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे कर्ल्स आए हैं इससे। वाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छे आए हैं। एंड गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं नज़दीक से कितने प्यारे कर्ल आए हैं। मतलब अगर मैंने अच्छे से रखे होते ना तो ये ज़रूर बहुत ही अच्छे से हुए होते, मैंने अच्छे से रखे ही नहीं। और ये बाल जो थे वो यहाँ के हैं, तो ये जो है वो कर्ल नहीं हुए हैं। गाइज आई थिंक ये सीधे हो गए हैं। ओके जो है वो यही है, जो है वो यही है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद में बस यही कुछ हुआ है। बट गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ना मैंने अगर इसको बालों को गीला किया होता तो ये अच्छे से कर्ल हुए होते। एक्चुअली ये कर्ल हुए हैं, ये कर्ल हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे कर्लिंग इसमें हुए हैं। मतलब आप लोग देख सकते हैं ये जो ये सामने के बाल है ना, ये जो मैंने कर्ल किए ही नहीं क्योंकि ये यहाँ पे आ गए थे, तो इसकी वजह से बस बाकी पूरे बाल आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे कर्लिंग हुए हैं। और ना थोड़े से मैंने मेसी तरीके से भी किया था तो इसके लिए ये ऐसा हो गया है। जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड ये गाइस सच में काम करता है। अगर आप इसको गीला करते ना बालों को, या फिर मैं गीला करती बालों को, तो अच्छे से कर्ल होते हैं। मैंने किया था इसके पहले इसलिए मुझे याद है। और ये जो है सामने के बाल मैंने ऐसे पोनीटेल करके किया था, तो इसकी वजह से जो सामने के बाल है वो नहीं हुए हैं, ये वाले नहीं हुए हैं, बट पीछे के बाल वाह। और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो। विदाउट हीट, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, मतलब पैसे भी बिना वेस्ट किए इतने अच्छे कर्ल अगर आपको मिल जाते हैं। लास्ट टाइम तो मेरे कर्ल बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे, मतलब उस टाइम लास्ट टाइम, मतलब उस टाइम जब मैंने किया था। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।